बस एक बार, बस एक बार चाचू एक बार पलटी मार दो यार, हमेशा की तरह एक बार पलटू मार दो यार, पूरा भारत आपके गुनाहों को माफ कर देगा यार चाचू। माधवी लता जी को हराना अवेसी के लिए अब नामुमकिन है, नामुमकिन है। लेकिन जो अंगूठा छाप मुसलमान है, जो मदरसा छाप मुसलमान है, जो ठरके आजम बन के घूमते हैं, जो अहिले आजम बन के घूमते हैं, वो ना वो अवेसी की बात मानेंगे। कैसा हराए? अब सवाल है कि बंगाल में क्या होगा? बंगाल नंबर्स, द नेशन वॉन्ट्स टू सी द बंगाल नंबर्स। आंकड़ा आपके सामने, 22 से 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास, 14 से 18। बंगाल का एग्जिट पोल दावा कर रहा है कि बंगाल में बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी। दीदी जावे ना, दीदी थागबे। एनडीए हैज क्रॉस हाफ ए मार्क और एनडीए 350-370 के तरफ स्ट्रॉन्गली बढ़त ले, क्योंकि एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में एनडीए 400 पार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 400 पार का नारा था वो सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में आप कह रहे हैं कि 67 से 72 सीटें एनडीए को आ रही है। अब मैं क्या करूं, जो नंबर मुझे जनता बताती है उसको रिपोर्ट करना मेरा काम है और वो मैं करता हूं। अच्छा राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की, कौन राहुल? और नतीजों के बाद आशा करती हूँ नरेंद्र मोदी ये नहीं पूछेंगे कौन राहुल, वही राहुल जिसने आपकी रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा दिया है, वही राहुल जिसने आपके प्रधानमंत्री बनने पर संशय लगा दिया है। बात तो सही है। देखिए इसमें बताऊं, किशोरी लाल शर्मा का इम्पैक्ट रायबरेली में है और वहां पे उनका नेगेटिव इम्पैक्ट है रायबरेली, तो लोग कहते हैं कि जो कांग्रेस का वोट घटा है उसके लिए कहीं ना कहीं वहां पे ग्राउंड पे आप बात करेंगे तो लोग कहते हैं किशोरी लाल शर्मा जो उनका मैनेजमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है, पर अमेठी में उनका कोई नेगेटिव वोट नहीं है। अमेठी में जो पॉजिटिव वोट पड़ रहा है वो बीजेपी का वोट पड़ रहा है और यहाँ पे स्मृति ईरानी का, यहाँ पे लोगों का है कि ग्राउंड पे वो प्रेजेंट रहती है और गौरीगंज असेंबली से बहुत सॉलिड लीड बीजेपी को मिल रही है, इसीलिए जो पिछली बार 50-55 हजार अगर मैं गलत नहीं हूं तो मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीती थी, इस बार भी हमारे हिसाब से स्मृति ईरानी इस सीट को जीतती हुई दिख रही है। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया, गमछा भी खुल गया मेरा, लेंटी ये देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा देखिए, 15 सेकंड की तस्वीर देखिए दोस्तों। कल जब शाम को 8 बजे वो भाजपा के कार्यालय आए, चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। इस तस्वीर को देखिए, बहुत कुछ कहता है, पूरी तरह से हवाइयां उड़ी हुई हैं। क्या इसकी चर्चा मोदी मीडिया को नहीं करनी चाहिए थी? बात तो सही है। इसी तरह से दोस्तों न्यूज 18 पे देखिए, पापा की परी और गुल्लू, चेहरा पूरी तरह से उतरा हुआ था क्योंकि पिछले कई महीनों से ये लोग भाजपा के पक्ष में प्रचार कर रहे थे, जोरों से प्रचार कर रहे थे और आज चेहरा बुरी तरह से उतरा हुआ था क्योंकि पापा को 370 सीटें नहीं मिल रही थी ना। भाई नीतीश कुमार अब अपना करियर नहीं बचा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, वो कहाँ रहेंगे उसका कोई महत्व नहीं है क्योंकि नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर का अब ये अंतिम दौर चल रहा है, जितना हाथ पांव मारना है मार लें, महागठबंधन में रहें, एनडीए में रहें। नीतीश कुमार की जो अभी हालात है, वो जिसके साथ भी जाएंगे, जो दल भी उनको साथ मिलेगा, वो नीतीश कुमार तो डूबेंगे ही डूबेंगे, उसको भी डुबा दे। जेडीयू नेता खालिद अनवर ने बड़ा बयान दिया है और नीतीश को पीएम के लिए योग्य बताया है। बस एक बार चाचू एक बार पलटी मार दो यार, हमेशा की तरह एक बार पलटू मार दो यार, पूरा भारत आपके गुनाहों को माफ कर देगा यार चाचू। मोदी जी का लहर खत्म, मैं ये कैसे कह रहा हूँ, कार्ड जो खेले थे, जात धर्म टोटी मंगल सूत्र, टोटी चोरी हो गया, भैंस चोरी हो गया, विधवा के मंगलसूत्र छीनने वाला सरकार, इन सारी चीजों को साइड में कर दिया। सबसे ज्यादा दौड़ा करने वाले यही स्टेट है मोदी जी, जिनकी बर्बादी आप देख सकते हो। इस बार 400 पार।
अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।